हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सुहेल सर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टैली ईआरपी 9 में स्टॉक आइटम, स्टॉक यूनिट एंड स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं। तो बने रहे मेरे वीडियो के लास्ट तक और सीखिए वन बाई वन सारी चीज़ें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और इसके पहले के अगर वीडियोस आपने टैली आरपी 9 के बेसिक वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी टैली की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे और वन बाई वन सारी चीज़ आप कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, टैली आरपी 9 ओपन कर लेना है। मैंने यहाँ पर टैली आरपी 9 पहले से ओपन करके रखा है और मैं यहाँ पर अभी स्टार्टअप करने वाला हूँ, जो कि आप वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जाएंगे और एंटर करेंगे, आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली पे। आप सभी को टैली ईआरपी 9 ओपन करने के बाद गेटवे ऑफ टैली पे आना है। गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे जैसे ही तो आप देखेंगे आपके सामने सबसे पहला ऑप्शन आता है मास्टर्स का। मास्टर्स में आपको टोटल दो ऑप्शन मिलेंगे, इन्वेंट्री इन्फो एंड अकाउंटिंग इन्फो। आपको क्या करना है, इनमें से सेकेंड ऑप्शन का यूज करना है और आना है आपको इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जैसे ही आएंगे एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम एंड यूनिट ऑफ मीजर्स, ये तीन ऑप्शन मिलते हैं। और इनका यूज़ क्या है आप सभी को होपफुली पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने मार्केट से कुछ चेयर परचेज करी, तो चेयर परचेज करेंगे तो उसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट का मतलब होता है क्वांटिटी, किस चीज़ में हम ले रहे हैं। जैसे कि हम चेयर परचेज करने जाएंगे तो उसको लीटर में नहीं ले सकते हैं, क्विंटल में नहीं ले सकते हैं, उसको हम पीस में लेंगे। तो पीस क्या है, एक यूनिट है। तो इस तरीके से आपको पीस, क्विंटल, लीटर, इस तरीके से आपको यूनिट्स डालनी होती हैं। देन आता है स्टॉक आइटम सेकेंड नंबर पे। स्टॉक आइटम सेम वही चीज़ है जो हम लोग मार्केट से परचेज करते हैं। और लास्ट आता है इसमें स्टॉक ग्रुप। ग्रुप का मतलब होता है कैटेगरी, कि जो आप परचेज करने जा रहे हैं आइटम वो किस कैटेगरी का है। जैसे हम चेयर परचेज करते हैं तो चेयर एक फर्नीचर कैटेगरी का है। हम मार्केट से बुक्स परचेज करेंगे तो बुक्स एक स्टेशनरी आइटम है। मैं किसी मेकअप का आइटम परचेज करूंगा तो वो एक मेकअप सैलून का आइटम है। इस तरीके से ये होते हैं हमारे ग्रुप। तो सारी चीज़ें वन बाय वन सीखते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यूनिट ऑफ मेजर। तो यूनिट कैसे क्रिएट करेंगे, आपको आना है थर्ड ऑप्शन पे यहीं पे और यूनिट ऑफ मेजर पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन मिलेगा, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा सिंबल। सिंबल ऑप्शन में आप सिंबल डाल देंगे जिस यूनिट को आप क्रिएट करने जा रहे हैं। लाइक मुझे डालना है पीसेस, तो मैंने पीसीएस यहाँ पे शॉर्ट में डाल दिया और फुल नेम आके यहाँ पे लिख देंगे पीसेस और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। इस तरीके से आपका एक यूनिट क्रिएट हो चुका है। दूसरा मैंने बना लिया यहाँ पे क्विंटल, क्यूटीएल पीसेस, क्यूटीएल मैंने सिंबल में डाल दिया और यहाँ पे फुल नेम डाल देंगे इसका क्विंटल। इस तरीके से मैंने इसको भी एक्सेप्ट कर लिया। देन बनाते हैं पैकेट, तो शॉर्ट नेम में सिंबल में डाल दिया मैंने पीकेटी और यहाँ पे डाल देंगे पैकेट। इस तरीके से हम तीन यूनिट्स क्रिएट कर चुके हैं। आ जाते हैं बैक, कीबोर्ड में अपने एस्केप बटन प्रेस करके और इन्वेंट्री इन्फो में। फिर सेकेंड ऑप्शन आता है आपका स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम अभी नहीं बनाएंगे क्योंकि जो चीज़ें बनाएंगे, क्योंकि स्टॉक आइटम अगर बनाएंगे तो यहाँ पे क्रिएट पे आएंगे तो आपसे नेम पूछा जाएगा, फिर अंडर पूछा जाएगा, फिर यूनिट पूछा जाएगा। तो हमारे पास अंडर और यूनिट पहले से बने होने चाहिए। मैंने यूनिट यहाँ पे पहले से बना के रखे हैं, अब बनाते हैं अंडर। तो आ जाते हैं बैक फिर से इन्वेंट्री इन्फो में और आते हैं स्टॉक ग्रुप पे। स्टॉक ग्रुप बोले या इसको अंडर बोले, ये दोनों एक ही चीज़ होती हैं। यहाँ पे आके क्रिएट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे मुझे पता है कि मेरे बिजनेस में कंप्यूटर से रिलेटेड सारे ट्रांजेक्शन होते हैं। कंप्यूटर की एक शॉप है और इस शॉप में कंप्यूटर से रिलेटेड सारे आइटम रखे हुए हैं हमारे पास, इनको सेल परचेज करते हैं। तो यहाँ पे एक ग्रुप बना लेंगे कंप्यूटर पार्ट्स, कंप्यूटर पार्ट्स, और इसका अंडर नहीं डालेंगे क्योंकि ग्रुप का अंडर नहीं डालते हैं, प्राइमरी डाल देते हैं, प्राइमरी ही रखेंगे यहाँ पे। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम मार्केट जाते हैं और वहाँ से कुछ वेजिटेबल्स लाते हैं। वेजिटेबल्स में मैंने परचेज करी लेडी फिंगर या पोटैटो परचेज कर लिए, तो ये सब क्या है, एक फूड प्रोडक्ट है या वेजिटेबल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे फूड प्रोडक्ट और इसका भी अंडर नहीं डालेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरीके से मैंने दो अंडर क्रिएट कर लिए। आते हैं बैक और देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है। आपका तीसरा ऑप्शन आता है स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम पे आगे जब एंटर करेंगे और क्रिएट पे जाएंगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा नेम। तो आइटम नेम, जैसे मुझे इलेक्ट्रॉनिक शॉप से परचेज करना है कीबोर्ड, तो कीबोर्ड यहाँ पर लिख देंगे, एंटर कर लेंगे। फिर आता है अंडर। अंडर कीबोर्ड क्या है, कंप्यूटर पार्ट्स है, तो मैंने अंडर पहले से बना रखा है, उसको सेलेक्ट कर लेंगे डाउन एरो प्रेस करके। फिर आता है यूनिट्स, तो कीबोर्ड को हम लोग पैकेट में नहीं लेते हैं, क्विंटल में नहीं लेते हैं, पीस में लेते हैं, तो इसका यूनिट डाल देंगे पीस और इसको कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर सेकेंड आइटम मुझे परचेज करना है पोटैटो, मैंने लिखा है यहाँ पे पोटैटो, एंटर किया, अंडर डाल देंगे इसका एक फूड प्रोडक्ट क्योंकि ये फूड प्रोडक्ट है, और यहाँ पे क्विंटल नहीं डालेंगे, पीसेस नहीं डालेंगे,
पैकेट भी नहीं डालेंगे, मुझे यहाँ पे डालना पड़ेगा केजी। तो आप क्या करिए, डायरेक्ट यहीं से क्रिएट कर लीजिए या फिर बाहर जाके आप यूनिट क्रिएट करिए। अगर नहीं जाना है तो यहीं से डायरेक्ट क्रिएट करेंगे, उसकी शॉर्टकट है आपकी Alt+C, Alt+C प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आप डायरेक्ट सिंबल क्रिएट कर सकते हैं यूनिट का। तो मैंने यहाँ पे बना लिया केजी, एंटर किया, यहाँ पे लिखा किलोग्राम और इसको कर लिया एक्सेप्ट। तो यहाँ पे केजी आ चुका है, देख सकते हैं, और इसको भी कर लेंगे हम एंटर एंटर करके एक्सेप्ट। इस तरीके से मैंने आइटम भी क्रिएट कर लिए। होपफुली आपको ये तीनों ऑप्शन समझ में आ गए होंगे, किस तरीके से स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं, किस तरीके से स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं और किस तरीके से यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, चैनल पे प्रॉपर बने रहिए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियोस टाइम टू टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।